सन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। वहीं चमोली जिले में एसआई विजय कुमार को न्यायालय के प्रति अपशब्द बोलना महंगा पड़ गया। दरअसल विजय कुमार का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वे माननीय न्यायालय को अपशब्द कह रहे हैं। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल को मिली तो उन्होंने एएसआई को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। देखो यहाँ सब मिली भगत है। क्या कोई पकड़ कर रखता है? मान लो जहाँ 50,000 में वो 1,00,000 दे दिया, क्या करेगा? विश्वास थोड़ो बड़ी हो जाएगा, केस से नहीं ना बड़ी होगा। ये आज खुले कल खुले 29 दिन का खुलवे करेगा, केस नहीं खुलेगा। देखो न्यायालय तोरा अगर सहमत है तो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 9 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 2 एटीएम कार्ड सहित मोबाइल फोन भी बरामद किया है। वहीं इस मामले में डीएसपी बैजनाथ प्रसाद ने कहा कि इन अपराधियों पर पहले से भी चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना सामने आई है और जहां पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 9 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी के घोड़ा सहन स्थित जगदम्बा नगर के झाड़ू गोदाम में भीषण आग लग गई है जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण गोदाम में आग लगी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नीसन न्यूज़। नमस्कार।